नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर टू के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 2.1। अ ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, यूनिफॉर्म है इसलिए वी आई वी एफ नहीं आएगा, वी आएगा। 36 किलोमीटर 1000 मीटर पर आवर, पर आवर 3600 सेकेंड्स, तो ये आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। 4 10 सेकेंड कितने टाइम के लिए जी, 10 सेकेंड्स के लिए। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस आप कितना फाइंड किया वो आपने मालूम करना है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू होता है वी टी के बराबर, वी कितना आपके पास 10, टाइम कितना 10, 100 मीटर आ गया। नेक्स्ट जी, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, याद रखिएगा, जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इट मूव्स 1 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है जी, 1 किलोमीटर, किलोमीटर 1000 मीटर, इन 100 सेकेंड्स, टाइम कितना है 100 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स, यानी फाइनल स्पीड आपने मालूम करनी है एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो जब तक आपके पास एक्सेलरेशन नहीं आएगा आप स्पीड मालूम नहीं कर सकते, फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम कर सकते। तो एस भी दिया, टी भी दिया, वी आई भी दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी आई टी 1/2 AT² एस कितना आपके पास 1000, वी आई 0 है, टी आपके पास 100 है, 1/2 ए आपने मालूम करना है 100 का स्क्वायर, इधर आ गया 1000 इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय ए, तो यहाँ 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू ए, तो ए आपके पास आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम कर लें जी, यूज़ करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने फाइनल वेलोसिटी के लिए किया, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ए आपके पास 0.2 आ गया और टाइम आपके पास 100 सेकंड है, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड वी एफ। नेक्स्ट, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट आफ्टर 4, इट एक्सेलरेट यानी एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 टाइम हाफ मिनट, हाफ मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं जी 60 सेकंड, तो हाफ मिनट में कितने आ जाएंगे 30 सेकंड आ जाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस एंड फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस आपने मालूम करना है और फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। डिस्टेंस के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, डिस्टेंस इक्वल टू वी आई टी 1/2 AT², वी आई कितना है जी 10, टाइम कितना है 30, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर, ये आ गया 390 मीटर आ गया। यूनिट आपने साथ साथ मेंशन करने, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30, 616 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। टू पॉइंट फोर, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड यानी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इस वेलोसिटी से टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ हिट किया गया है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर जाने के लिए, सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर जाने के लिए टेनिस बॉल को कितना लगा, 3 सेकंड लगे, टाइम कितना लगा 3 सेकंड्स। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एच से शो करेंगे, ये आपने मालूम करना है, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, तो ज़मीन पर आने में उसे कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर जाने का सिर्फ टाइम 3 सेकंड है,
पहले हम जब वो ऊपर पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं जी, हाइट एस इज इक्वल टू वी आई टी वन बाई टू ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे एच के बराबर होगा, वी आई आपके पास 30 है, टाइम उसके पास 3 सेकंड है, और जब आपको पता है कि जब कोई चीज़ वर्टिकली ऊपर जाती है ए बराबर होता है माइनस जी के, और जी की वैल्यू होती है 10। ठीक है, यहाँ पे ए किसके बराबर होगा, माइनस जी के, यानी माइनस 10 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 90 माइनस 45 मीटर की हाइट तक वो जाएगा। अब उसे टाइम कितना लगा डायग्राम में देखें, 3 सेकंड लगे उसे ऊपर जाने में, और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। ठीक है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 सेकंड आ जाएगा, तो टोटल टाइम उसे 6 सेकंड लगा। नेक्स्ट जी, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स। इसका पहला हिस्सा ये पहले 5 सेकंड के लिए है, कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है इसकी, 40 मीटर पर सेकंड, टाइम t1 क्या है, कितना 5 सेकंड। इसका हम पहले डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हमें मालूम करना है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए फार्मूला होगा 40 × 5 200 मीटर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड के बाद क्या हुआ, रेस्ट पे आ गया। जब रेस्ट पे आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो तो इनिशियल क्या होगी, इनिशियल यहाँ पे थी उसकी 40 मीटर पर सेकंड, तो यही होगी, ये फोर फर्स्ट 5 सेकंड हो गया, फोर नेक्स्ट 10 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 40, फाइनल वेलोसिटी 0, t2 हो गया 10 सेकंड्स। ठीक है, तो आपने पहले एक्सेलरेशन मालूम करना है और फिर टोटल डिस्टेंस s मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस के पहले आप क्या मालूम करेंगे, s2 मालूम करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी vf माइनस vi ओवर t। वी एफ कितना है जी, 0, वी आई कितना है 40, और टी कितना आपके पास 10, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का नेगेटिव आना, साफ जाहिर है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आप मालूम करें एस टू डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर और 2as। ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेंसन भी आ जाएगा, सेकेंड इक्वेंसन भी एस टू आ जाएगा आपके पास। वी एफ कितना है, 0 का स्केयर माइनस वी आई कितना आपके पास, वी आई 40 है, 40 का स्केयर डिवाइड बाई 2 माइनस 4 माइनस 1600 माइनस 8, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया 200 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस एस कितना हो जाएगा, s1 + s2 200, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया जो कि पहले 5 सेकंड और अगले 10 सेकंड के लिए मूव किया है। 2.6, आवर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जाप जाहिर के रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड्स इन किलोमीटर पर आर, आपने वेलोसिटी मालूम करनी है किलोमीटर पर आर में, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में किलोमीटर पर आर लिख रहा हूँ। ठीक है, व्हेन इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कितना डिस्टेंस मूव किया जी, 100 मीटर का। ठीक है, साफ जाहिर है जी डाटा से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का 2, एक्सेलरेशन 0.5, डिस्टेंस 100, वी एफ का स्केयर मालूम करना है, वी आई आपके पास 0 है, ये आ गया 100 वी एफ का स्केयर, स्केयर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आर में करना है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए 10 को डिवाइड कर देंगे आप 1000 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 36 किलोमीटर पर आर, 2.7।
2.7 जो न्यूमेरिकल है इसको हम ग्राफिकली हल करते हैं, वो कैसे जी? आर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आर। तो ये देखें जी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ मैं, इधर टाइम आ गया, इधर क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। ये रेस्ट से स्टार्ट किया जी और यहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 48 किलोमीटर पर आर। कितने टाइम के लिए? फॉर टू मिनट्स। यहाँ पर इसको इस तरह कर देंगे आप, ये टू मिनट टाइम, टाइम लॉन्ग एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट जी, इट ट्रैवल एट दिस स्पीड, वो इसी स्पीड से ट्रैवल करेगा फॉर फाइव मिनट्स, ये पाँच मिनट के लिए इसी स्पीड से ट्रैवल करेगा, फाइव मिनट। नेक्स्ट, उसके बाद इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन वेलोसिटी डिक्रीज होगी लेकिन यूनिफॉर्मली, कितने टाइम के लिए जी? थ्री मिनट्स के लिए। ये यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा थ्री मिनट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, ये फाइव मिनट, ये भी फाइव मिनट हो गया। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो आपने बताना है, ठीक है? ये आपके पास आ गया जी ओ ए बी और ये सी आ गया, ठीक है? ये आपके पास डी आ जाएगा। अगर आप डायग्राम देखें तो ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होगा? ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है आपके पास, पहले आप एरिया मालूम करें, टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ओ सी प्लस ए बी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट यहाँ पे ए डी ले लें, बी ये बी ई ले लें, कोई भी ले लें हाइट, तो हाइट यहाँ पर ए डी आ गई, ठीक है? ये फार्मूला, इसके तहत आपने हल करना है, ये एरिया का फार्मूला है। इसको फार्मूले को, इस फार्मूले को यूज़ करके आपने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। अब हम आते हैं जी इधर डाटा की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 48 किलोमीटर पर आर, 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, 12 चुका, तो ये आ गया 40 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड। ये वी एफ किसके बराबर है? डायग्राम में ए डी यानी हाइट के बराबर है। बाकी टाइम देखें जरा, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, टाइम कितना है जी? ओ सी आपके पास है 10 मिनट्स, 10 मिनट यानी 600 सेकेंड, और ए बी कितना है? 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब है 300 सेकेंड। अब वैल्यू पुट करें जी यहाँ पर, तो टोटल एरिया किसको शो करता है? डिस्टेंस को। ओ सी कितना है जी? 600, ए बी कितना है? 300 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ए डी हाइट जो कि वेलोसिटी है 40/3 6000 मीटर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस कवर किया जी? 6000 मीटर, यानी स्टार्ट से एंड पॉइंट तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 6000 मीटर डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2.8, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक क्रिकेट बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है, ठीक है ना? एंड रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड लेटर, टोटल टाइम कितना है? दोबारा जमीन पर आया वापस 6 सेकेंड के बाद, टोटल टाइम 6 सेकेंड, ठीक है? कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, और सेकंड क्या है जी? इनिशियल वेलोसिटी वी आई मालूम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले टोटल टाइम 6 सेकंड है, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? जाहिर बात है जितना नीचे जाने का उतना ऊपर जाने का, तो टोटल 6 सेकंड है, तो टाइम सिर्फ ऊपर जाने का क्या होगा? टोटल टाइम डिवाइड बाय 2 ये 3 सेकंड होगा, ठीक है? ये टी आपके पास सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है। अब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ये आप याद रखिए, जब भी कोई बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्टॉप करती है, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। जब कोई चीज़ हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? उसकी 0 हो जाती है, ठीक है?
फाइनल वेलोसिटी जीरो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए बराबर होगा माइनस जी के, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं। जीरो वी आई आपने मालूम करना है, ए बराबर है माइनस 10 के और टी कितना है 3 सेकेंड्स। जीरो इज इक्वल टू वी आई माइनस 30 या वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपने हाइट मालूम करनी, सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करें, वी आई टी 1/2 ए टी स्क्वायर है, एच वी 33 1/2 माइनस 10 3 का स्क्वायर 90 माइनस 45 मीटर आ गया हाइट। नेक्स्ट आपके पास आ गई 2.9 न्यूमेरिकल। व्हेन अ ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगाई जाती हैं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 टू 48 किलोमीटर पर आर। यहाँ से यहाँ तक ब्रेक अप्लाई की गई, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आर, और यहाँ तक जब ब्रेक अप्लाई की तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो, कितनी होगी 48 किलोमीटर पर आर हो गई। ठीक है, तो डाटा क्या बनेगा, वी आई इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आर, 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो वी आई इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 26.6667 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, और वी एफ 48 किलोमीटर पर आर, 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया 13.3333 मीटर पर सेकंड वी एफ आ गया। ठीक है, इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जी, उसको एस वन कह दे, 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना वो मजीद फासला तय करेगी, अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कॉन्स्टेंट, जो रिटार्डेशन पैदा हो रहा है डिक्रीज इन वेलोसिटी वो कॉन्स्टेंट रहे। तो सबसे पहले रिटार्डेशन मालूम करते हैं, 2as1 इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। सबसे पहले हम रिटार्डेशन मालूम करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर आवर 2 into s1। वी एफ कितना ही 13.3333 का स्केयर, और वी आई कितना आपके पास, वी आई आपके पास है माइनस 26.6667 का स्केयर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 800, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा माइनस 0.3333 मीटर पर सेकंड स्केयर आ जाएगा, रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब मजीद उसने कहा है जी कि हाउ मच ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इस पॉइंट की तरफ आप वापस आ जाए, यहाँ से यहाँ तक उसने कितना फासला तय किया, इसको एस टू कह दें, जब वो रेस्ट पे आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जब फाइनल जीरो तो फिर इनिशियल क्या होगी, इनिशियल फिर ये बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने मालूम करना है जी एस टू, ए आपके पास यही आ गया क्योंकि उसने कहा रिटार्डेशन कॉन्स्टेंट, फाइनल वेलोसिटी आपके पास जीरो आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गई 48 किलोमीटर पर आर, 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आपके पास आ गया 13.3333 मीटर पर सेकंड। तो अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as2 इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, तो यहाँ से s2 मालूम करना है, vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर आवर 2a, वैल्यू पुट कर देंगे, 0 का स्केयर माइनस 13.3333 का स्केयर आवर 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.3333, तो s2 आपके पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर में वो आ जाएगा आपके पास 22.66.6 मीटर आंसर आ जाएगा।
ठीक है। 2.10 जो न्यूमेरिकल है ना, उसने कहा है जी कि आपने स्टेटमेंट 2.9 वाली यूज़ करनी है, बस ये बताना है कि टोटल टाइम कितना लगा है। तो जब टोटल टाइम मालूम करना है ना, आपने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लेनी है ट्रेन को रेस्ट आने में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 96 किलोमीटर पर आर, या 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया 26.6667 मीटर पर सेकेंड। Vf ज़ीरो हो जाएगा, एक्सलेशन माइनस 0.3333 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। टाइम मालूम करना है, एक्सलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, Vf माइनस Vi ओवर t, टी मालूम करना है, तो t इज़ इक्वल टू Vf माइनस Vi ओवर a, ज़ीरो माइनस 0.26.6667 डिवाइडेड बाय माइनस 0.3333, तो ये आपके पास आ गया 80 सेकेंड। लो